कि वीपी सिंह जी जब चुनाव लड़े थे तो कांशीराम जी भी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। हम बहुत दिलचस्प किस्सा है। हम इलाहाबाद गए थे और इलाहाबाद में हमने उनके मुकाबले में वीपी सिंह के कांग्रेस के कैंडिडेट सुनील शास्त्री थे और उधर बीएसपी से जो है कांशीराम जी थे और कांशीराम जी को बहुत ढूंढते ढांढते हम जो है एक होटल में पहुँचे अपने दो और पत्रकार मित्रों के साथ और उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ और चूँकि इतना हाई प्रोफाइल इलेक्शन है तो मैं भी अपनी बात जो कहूँगा वो पूरे देश में उसका एक मैसेज जाएगा। तो वीपी सिंह का चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल था। ये 1984 की बात है मुझे लगता है। नहीं 1986 की बात है ये। हाँ। वीर बहादुर जी उस जमाने मुख्यमंत्री थे इतना मुझे याद है और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल था कि आप समझे कि वीपी सिंह का नॉमिनेशन कराने के वक्त पे मोटरसाइकिल पे डॉक्टर जेडे अहमद कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता होते थे वो भी गए थे। बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे और हम लोगों ने भी उस चुनाव में बहुत लंबे समय तक इलाहाबाद में प्रवास किया था और वीपी सिंह के खिलाफ जैसा कि था कि कांशीराम जी भी इसीलिए गए थे कि वो जो बात कहना चाहते हैं जो अपना मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दिया जा सके। कुछ उसी तरह का मामला जैसे अपना रायबरेली से ये फिरोज गांधी जी चुनाव लड़ते थे उनके खिलाफ नंदकिशोर जी चुनाव लड़ते थे तो नंदकिशोर जी और इनका कोई मुकाबला नहीं था लेकिन वो लोहिया के सेक्रेटरी थे वो अपनी एक बात रखना चाहते थे तो वो अपनी बात कहते थे और वो चुनाव तो ऐसा दिलचस्प था कि दिन भर में चुनाव प्रचार करने के बाद अपनी जीप जो है अपना फिरोज गांधी जी नंदकिशोर जी को देते भाई अब मैंने अपना कैंपेन कर लिया अब तुम कर लो। तो एक वो दौर भी था कि जो लोग चुनाव लड़ते थे वो किस तरह से आपस में सामंजस्य भी रहता था। हाँ, एक दूसरे के खिलाफ लड़े लेकिन एक दूसरे की मदद भी करते थे व्यक्तिगत तौर पर मदद भी करते थे। तो एक वो दौर था। तो ये जो बड़े लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने का जो एक सिलसिला है वो उसमें आदमी क्या होता है कि एक लाइमलाइट में भी आता है हर तरफ चर्चा भी होता है और वो जो अपनी बात विचारधारा या अपना जो भी कुछ कहना है वो कह पाता है जिसको कि पूरा देश सुनता है। अच्छा ये भी कहा जाता है कि जब कांशीराम जी चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि पहला चुनाव हम लड़ रहे हैं हारने के लिए दूसरा चुनाव हम लड़ रहे हैं नज़र में आने के लिए और तीसरा चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। तो आप तो उस वक्त मौजूद थे जब कांशीराम चुनाव लड़ रहे थे क्या स्थितियाँ उसमें